सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 28 मई को 2024। क्या लगता है ये जो लास्ट के जो एक घंटे का बार बना है, हो सकता है उसका रीजन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर एक वीकनेस नजर आती है। अगर नीचे आता है तो 22,750 पॉसिबल है, अपर रीजन पर 23,100 के आसपास थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्लैरिटी मिसिंग है। कल लॉन्ग होने में थोड़ी दिक्कत होगी, लगता है आप कितने बचे, 4 दिन तो बचे हैं, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद रिजल्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से इस 4 दिन में ट्रेंड नहीं होगा, नीचे ऊपर होता रहेगा, वॉलेटिलिटी रहता रहेगा, तो संभाल के ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी क्या लगता है? ना बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हाल है, इंपॉर्टेंट जोन है 48,990 और 48,900 के आसपास वहीं पर चलता है तो ठीक है, लेकिन थड़कता है 48,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन एक बात मुझे नजर आती है, क्या ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है? मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 48,900 ब्रिज होता है तो लगता है एक फर्स्ट साइन ऑफ लगेगा कि ये यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी गिरावट आ सकती है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा वो तो पॉइंट्स बताएंगे जब 48,900 ब्रिज होगा तो, फ्राइडे तक या मंडे ट्यूसडे तक पता नहीं। क्लैरिटी मिसिंग है, लॉन्ग हो सकते हैं सिलेक्टिवली, शॉर्ट्स नहीं हो सकते, साइडवेज चलेगा, लेफ्ट राइट चलता रहेगा, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है इतना कह सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए सही नहीं होगा। आपको करना क्या है, बस मार्क करने हैं पॉइंट्स और ट्रेड करने हैं पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। और हाँ, 8 जून को मैं आ रहा हूँ बेंगलुरु, जिसको ज्वाइन करना है मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग वर्कशॉप तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सीट्स अभी थोड़ी हैं, इसीलिए क्योंकि हाउसफुल हो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई तो मैंने जगह थोड़ी बड़ा कर ली, थोड़े सीट्स हैं अभी, जिसको आना है आ सकते हैं। यस, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान।